हे व्हाट्सएप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नई ड्रीम इलेवन की टीम की प्रेडिक्शन की वीडियो में। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस बांग्लादेश के होने वाले पहले टेस्ट मैच के बारे में। यहाँ पे कई दोनों टीमों को गाइस एक टेस्ट में मस्ट विन की जरूरत है। यहाँ पे कई दोनों टीमों को कहीं से अगर हम बात करें टेस्ट मैच में कई दोनों का फॉर्म इतना कुछ खास रहा नहीं है। अगर हम बात करें इस साल पिछले साल तो गाइस यहाँ पे कई दोनों टीमों को एक अच्छे मोमेंटम की जरूरत है टेस्ट मैच में। स्पेशली गाइस दोनों टीमें अपने मोमेंटम को वापस लेने के लिए उतरने वाली हैं इस टेस्ट मैच में। सीरीज़ को कब्जा करके गाइस थोड़ा सा अपने थोड़ा कॉन्फिडेंट दोनों टीमों के बीच में आने वाला है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच रहने वाला है। इस वीडियो को गाइस आप एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में गाइस आपको ड्रीम इलेवन की टीम प्रोवाइड करने वाले हैं, दो प्रेडिक्शन करेंगे, टीम एनालिसिस करेंगे। तो गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना, वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप हमारे दो काम कर देना, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हमारा टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, हमारे सेक्शन में पिन कर दिया, फिर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फाइनल टीम। तो गाइस फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल का चैनल ज्वाइन करिए। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवन के बारे में, गाइस वेस्ट इंडीज़ की तरफ से यहाँ पे गाइस जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ रही है वो गाइस इनके शॉर्ट प्लेयर्स हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम प्लेयर्स लिए हैं। 14 टीम प्लेयर्स की यहाँ पे टोटल टीम बनाई है, उनमें से गाइस 11 प्लेयर खेलने वाले, 3 प्लेयर आपको बेंच पे देखने को मिल जाएंगे गाइस। और यहाँ बांग्लादेश की तरफ से यहाँ पे गाइस यासिन को गाइस इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से गाइस वो ये मैच मिस करने वाले हैं। बाकी गाइस और कोई खास अपडेट दोनों टीमों के बीच में नहीं आई। बाकी प्लेइंग इलेवन आप चेकआउट कर सकते हैं, गाइस दोनों टीमों की तरफ से प्लेइंग इलेवन नहीं रहने वाली। शकीब अल हसन को गाइस एज अ कैप्टन अपॉइंट कर लिया गया है बांग्लादेश की टीम की तरफ से। एंड गाइस क्योंकि गाइस यहाँ पे मोमिनुल हक का फॉर्म इतना अच्छा खासा चल नहीं रहा था, तो गाइस उन्होंने खुद ही क्विट कर दिया। एंड गाइस शाकिब अल हसन यहाँ पे प्रमोट हो चुके हैं एज अ कैप्टन। बाकी बात कर ले वेस्ट इंडीज़ में गाइस यहाँ पे आपको ब्रैथवेट देखने को मिल जाएंगे एज अ कैप्टन। बाकी गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, डेब्यू प्लेयर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस यहाँ पे अगर पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, पिच गाइस आपको बैटिंग फेवरेबल पिच देखने को मिलेगी, बट गाइस यहाँ पे आपको थोड़ी सी हेल्प पेस बॉलर्स के लिए मिलेगी स्पिन बॉलर्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे यंग एंड टैलेंटेड प्लेयर्स यहाँ पे लेके आई हुई है वेस्ट इंडीज़ की टीम में। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑलमोस्ट सारे प्लेयर यंग टैलेंटेड टीम में वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे न्यू कमर्स हैं, जैसे कि हम बात करें डीवॉन थॉमस हो गए, यहाँ पे गाइस अपने गुरदेश मोटी हो गए, यहाँ पे पेसर हो गए एंडरसन फिलिप्स। तो गाइस यहाँ पे तीनों गाइस यहाँ पे डेब्यू करने वाले हैं यहाँ पे अपने टेस्ट क्रिकेट के मैच में। नंबर एक पे बैटिंग करने आएंगे क्रैग ब्रैथवेट एंड जॉन कैम्पबेल। नंबर तीन पे बैटिंग करने आएंगे नक्रुमा बॉनर, उनका साथ नहीं माने आएंगे यहाँ पे जर्मिन ब्लैकवुड एंड गाइस काइल मेयर्स। बॉलिंग में बात करें स्पिन बॉलिंग में गाइस अगर हम बात कर लेते हैं, क्रैग ब्रैथवेट आपको देखने को मिलेंगे स्पिन बॉलिंग ऑप्शन फॉर वेस्ट इंडीज़ टीम। पेस बॉलिंग में बात करें यहाँ पे आपको जेडन सील्स एंड अल्जारी जोसेफ देखने को मिल जाएंगे पेस अटैक करते हुए। बांग्लादेश के बारे में बात कर ले तो गाइस वही बात जो गाइस मैं आपको बताया थी, शाकिब अल हसन को कैप्टन अपॉइंट कर लिया गया है, मोमिनुल हक को यहाँ पे डिमोट करके शाकिब अल हसन को प्रमोट करा गया है। टॉप ऑर्डर में आपको देखने को मिलेंगे तमीम इकबाल एंड महमूदुल हसन जॉय। नंबर तीन पर बैटिंग करने आएंगे नजमुन हुसैन शांतो, उनके साथ ही मनाएंगे मोमिनुल हक एंड शाकिब अल हसन। बॉलिंग में बात कर ले स्पिन बॉलिंग में आपको देखने को मिलेंगे मेहदी हसन एंड तेजुल इस्लाम। पेस बॉलिंग में आपको मुस्तफिजुर रहमान एंड या फिर गाइस आप उनके साथ ही मारते हुए दिखाई देंगे इबाडॉट हुसैन। अगर हम यहाँ पे गाइस बात कर लेते हैं दोनों टीमों के की प्लेयर्स के बारे में, तो गाइस की प्लेयर हमें चेकआउट कर सकते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ से। यहाँ पे की प्लेयर आपको देखने को मिलने वाले हैं ब्रैथवेट हो गए, ब्लैकवुड हो गए, यहाँ पे काइल मेयर्स हो गए, यहाँ पे अल्जारी जोसेफ हो गए। बांग्लादेश की तरफ से यहाँ पे रहने वाले हैं गाइस यहाँ पे तमीम इकबाल हो गए, शकीब अल हसन हो गए, लितोन दास, महमद हुसैन, तैजबुल अहमद एंड मुस्तफिजुर रहमान। सो गाइस चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ। विकेट कीपर के बारे में बात कर लेते हैं, विकेट कीपर से एशियन में आपके पास ऑप्शन आते हैं, लितोन दास को पिक कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज बहुत अच्छी ऑप्शन यहाँ पे लितोन दास ही हमें लग रहे हैं, डीवॉन थॉमस भी एक अच्छे पिक रहने वाले हैं, बट गाइज यहाँ पे हम लितोन दास के साथ पिक करेंगे। जब इनका फॉर्म था काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में भी हमें लितोन दास देखने को मिले थे। अगर हम बांग्लादेश की तरफ से कुछ पिछले टेस्ट मैचों के बारे में बात कर ले, तो बैटिंग में बात कर ले बैटिंग में यहाँ पे पिक करने वाले हैं ब्लैकवुड को पिक करेंगे, वेस्ट इंडीज़ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैट्समैन तमीम इकबाल को पिक करेंगे, बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट ओपनर बैट्समैन आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो गाइस यहाँ पे कैम्बल को पिक कर सकते हैं, गाइस ये भी ओपनिंग करने आएंगे गाइस अपने क्रैग ब्रैथवेट के साथ, वरना गाइस यहाँ पे आप बोनर को भी पिक कर सकते हैं, बोनर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक यहाँ पे बनने वाले हैं। ऑलराउंडर के बारे में बात करें, ऑलराउंडर में पिक करने वाले हैं क्रैग ब्रैथवेट को पिक करने वाले हैं, तो ऑलराउंडर शकीब अल हसन को पिक करेंगे। यहाँ पे गाइस काइल मेयर्स को भी पिक करने वाले हैं, जो कि गाइस अपने थर्ड इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। गाइस आप यहाँ पे चाहें तो गाइस हसन मिराज को पिक कर सकते हैं, हसन मिराज भी गाइस काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड अच्छी पिक यहाँ पे बनने वाले बड़े। फिलहाल यहाँ पे हम हसन मिराज को ड्रॉप करके यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान को पिक करेंगे, अल्जारी जोसेफ को पिक करेंगे। थर्ड पिक आ गया जहाँ पे हमारी रहने वाली
ताजबुल इस्लाम के साथ, जो कि गाइस अनदर इम्पॉर्टेंट स्पिन बॉलर है बांग्लादेश की टीम की तरफ से। बाकी जो लास्ट पिक हमारे यहाँ पर रहने वाली है एंडरसन फिलिप्स के साथ रहने वाली है, डेब्यू कर रहे हैं गाइस अपना वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं एंडरसन फिलिप्स। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऊपर मैं बात कर लेंगे, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, क्योंकि गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी मैच में विनर एंड गाइस किसी भी मैच में लूजर बनवा सकती है। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा था गाइस हम एक अच्छे कैप्टन को चुनना, तो गाइस मेरे हिसाब से गाइस ऑलराउंडर बांग्लादेश के सबसे बड़े ऑलराउंडर अभी तक का मैं आपको शाकिब अल हसन, बैटिंग बॉलिंग हर चीज़ में गाइस आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई देंगे शाकिब अल हसन। तो गाइस आप शाकिब अल हसन को बेजीरा कैप्टन बना सकते हैं। वाइस कैप्टन भी गाइस मैं आप एक अनदर ऑलराउंडर प्लेयर को बनाने वाला हूँ, जो कि गाइस वेस्ट इंडीज़ की तरफ से रहने वाले हैं एज अ ओपनर, बैटिंग करने आएंगे कैप्टन अपनी टीम के एंड गाइस बॉलिंग में भी आपको करते हुए दिखाई दे सकते हैं काफ़ी कुछ कमाल। तो गाइस यहाँ पे हम वेस्ट इंडीज़ एंड बांग्लादेश के दोनों ही कैप्टन को हमने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है। तो गाइस ये हमारी फिलहाल के लिए फाइनल टीम रहने वाली है, होप्स हो गाइस आपको टीम अच्छी लगी होगी, टीम अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो में तो की थी गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।